चाण का तो ये है कहीं जाके अगर पेशाब भी कर दिया ना नाली पे बोले पत्थर लगा दो अमित चाण के। महिलाओं को जिस प्रकार बलात्कार किया गया अपन वोट पक्का है। मैंने पता है मैं मरूं दो। विधायक और विधायक के बाप के खिलाफ पूरे तहसील के अंदर गांव गांव डाणी डाणी हर गली में जाएंगे। फड़ी फड़ी अब कल फड़ी पाट देगा बस जाड़ बसा दियो गांव में। ठीक है बेकार भी माने तो वोटें जरूरत को नहीं थे बीजेपी अडरू अपी गिरी होगा। अमित चाचा ने एक सरकारी स्कूल में एक सेट दी है 5 साल का माँ हर बेगा बदले 6-7 बीघा जमीन और ले गयो और नगर पालिका में भारी भ्रष्टाचार है। ठीक है कभी झूठ बोल के मरगनिया वोट ले गया और पानी देने को नाम कौन लियो। राम राम सा मैं गिराज राव झलको हनुमानगढ़ देखने वाले दर्शकों ने प्यार भरी राम राम। जिया की थाने विदित है राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव 25 नवंबर का होने वाला है और नतीजा है वे 3 दिसंबर का आवेगा। तो बीजेपी सरकार है जिकी आपके 83 उम्मीदवार पर विश्वास करके दूसरी जकी लिस्ट अब जारी कर चुकी है। बिग अंदर 9 विधानसभा अभिषेक जी मटोरिया ने टिकट दे दी और बात करें कांग्रेस पार्टी की तो वे भी आपके उम्मीदवार पर विश्वास करके 33 जना की एक लिस्ट अब जारी करी है। बिग अंदर अमित जी चाचाण को भी नाम आ चुके है। तो लोगों जानेगा नौर की जनता हूँ के माहौल हो रहा है नौर के अंदर विधानसभा चुनाव ने ले गए के मुद्दा रहेगा लोगों का रस्ता के अंदर अमित जी चाचाण के स्वागत के अंदर लोग इकट्ठा हो रहे हैं। आज आप बात करांगा ग्रामीणों राम राम अंकल राम 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 राम। अमित जी चाचाण ने टिकट मिल गई तो थे के मनो के माहौल है। बहुत बढ़िया माहौल है, है? बहुत बढ़िया राम कुम कोई थाने मन ने पसंद हुई चक रहे हैं ना बहुत। हमारे पोर्टा गाँव में 7 रोड़े दे दी है। ठीक है और हॉस्पिटल में और सारी सुविधा है पोर्टा गाँव में कोई कमी नहीं है। ठीक है अब के पाना उसी भाई अभिषेक जी मटोरिया ने भी टिकट मिल गई इन्हें अमित जी चाचाण ने मिल गई के ए दो ही चुनाव के अंदर होगा त्रिकोणीय मुकाबलो होगा भाई कोई और नयो कैंडिडेट भी आओगो और तो एक 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 तरफ ही रहेगा अमित जी के अमित जी हां ठीक है का मैदानी बात सहमत होगे। हां सहमत हां सहमत हां। तो तीसरो चेहरो कौन होसी तीसरो आदमी कौन होसी जको टिकट भाई लेके लड़ सी चुनाव निर्दलीय लड़ सी के मानो निर्दलीय कोई लड़े लो बता दियो कोई गांव में कोई काम हो सरकार ही नरमो थे मानो हनुमानगढ़ गंगानगर में नुकसान हुए थे सारा किसान हो। ठीक है तो के कोई बात कही है जगी थन कोई अच्छी लगे नरमा के प्रति नरमा के प्रति आओ के बताऊं है नुकसान हुए है कोनी हुए नुकसान हुए नहीं हुए तो के कोई बात कही है थन सरकार की मानता जी की कोनी मिली है तो अमित जी कोई बात कही है ना ना आचार सहित पहली मान लिया भाई आपा कह कम 20 दिन पहली ठा पड़ गयो नरमा को डोल आ गयो कोनी आ गयो तो कोई बात हस्ता ही कोनी हुई के माहौल मानो अमित जी चाचाण ने टिकट मिल गई। बहुत तकड़ो मोबाइल है बहुत काम करे है रोडांगा और गा बस जाड़ बसा दियो गांव में। ठीक है पड़ गए गांव की बात करा तो बिन्ने साइडा में जिया 2-4 गांव है इशा है जगह जमा बिरानी है तो के कोई बीमा बामा की कार्रवाई पूरी करी गई है सरकार की वो पूरी हो जाएगी सारा की होगी पूरी इच्छा पूरी होगी। अच्छा हाँ कोई मतलब टेंशन नहीं है कौन धारे थे के होगा अभिषेक जी मटोरियन टिकट मिल चुकी है अंकल के मोल मानो का कोई नयो भी कोई फाड़ी रोपे को बिचारा आगे विधानसभा नोर में नहीं जेजेपी आस के आसके और आरएलपी आला आरएलपी आवेगा तो आरएलपी को के मोल मानो किने नुकसान होगो अभिषेक जी मटोरिया जी ने नुकसान होगो अमित जी चाचाण ने होगो किने होगो मटोरिया जी ने होगो चाचाण जी ने कोई नुकसान कोनी है कोई नुकसान ठीक है किसा वोट ज्यादा खींचेगा दादा आरएलपी आला जेजेपी आला जेजेपी आला बाजी मारे गांव में फोड़ के में मारे पानी कोनी हो मारे सड़क कोनी इस ऊपर कौन के माने इस ऊपर काम के माने सुसानी जी का ठीक है भारत अच्छा काम करियो है थे पोड़के का निवासी हो पोड़के में बहुत बढ़िया काम करियो है लारे में राम कहां जा गए हो राम कहां हॉस्पिटल देखे हो लमाई थे जबकि निर्माण सामग्री है बा एकदम कूटला टाइप लगाईडी है ठेकेदार को नहीं आने लग रहा तो के को गा राम का में अभी तक कोई सड़कों को भी बहुत बढ़िया व्यवस्था कोनी हुई कोई एक दो मणगी होली बात अलग है बाकी माटी उड़न लग रही है के को गा नहीं राम का भोगलो जोड़ दियो राम का मैं कर सी दो भोगलो है कदी सपने में सड़क में ऐसी कोशिश तो जोड़ दियो भोगलो गांव है
मतलब 30 घर है, कभी आश को नहीं है मारे सड़क पर। ठीक है, खोगला गांव की बात बताओ तो बीपुर में बढ़ जाके तर गांव के अंदर कार्रवाई करी, देखी रिपोर्ट बनाई, बा एक सड़क का राय का खेत में लाला की है बिंगो केक होगा, 100 मीटर की सड़क की जकी व्यवस्था है भाई, यहाँ किया करी के खेत के माँ गाल दी रोड और बे बिंग ऊपर बाढ़ कर रखी है ना भी नहीं लपा सा साइड में रस्तो देने लाग रहा और बिंग खेत के माँ रोड किया गाल दी, खेत में खटू गाल दी, राम का गांव में सारे है बा तो आगे घर है वो क्या फोड़ा है, घर थोड़े फोड़ा तो वो घर तो टाल दियो पर रोड तो बिंग खेत के माँ गाल दी भी राय का गए क्या तो गाल दी तो रोड भी का घर कने ठान दी बा बिंग आगे घर थोड़े फोड़ा के का उठ के ऊपर जाओ ये खेत के माँ खेत के रोड तो मैं तो पण मैं आगे जी उठ के थोड़ी गई काट के तो छोटे गांव के माँ आगे घर आगे जो बस काल नहीं पड़ी घर थोड़ी फोड़ा। अभी आप नोर विधानसभा के अंदर खड़े और अमित जी चाचाणगो गांव है वो नोरी है तो आप अठे जगह मुस्लिम समुदाय का लोग है बे अठे धरनो दे रखियो लगातार 2 महीना यानी कि 60 दिनों बे आपको धरनो दे रखियो है, आगे कुछ मांगा है जकी पूर्ण कोनी करी गई है, आचार संहिता पहली बहुत पहली की बात होगी है तो आप जानेगा लोग भाई ये लोग इतना आक्रोशित क्यों हो रहे हैं के आगे बातें हैं सारी आप जानेगा। राम राम भाई जी। राम राम भाई जी, के मुद्दो है जको थाने 2 महीना हो गया बैठे ने थारी मांगा के है? मारो मुद्दो है ये तुम्हारी स्कूल चले ठीक है घोसड़ा खने बेंगो पटागी, एक मारा वार्ड नंबर 32 में सबसे बड़ो मारो धार्मिक स्थल है हनुमानगढ़ जिला को बेंगो। विधायक जी 4.5 साल पहला 5 साल पहला मारो वादो करियो के थे मैंने वोट दियो और मैं बता ना पटो बना के दियो तो के वादो करियो तो आपको वादो निभायोगी विधायक जी? बिल्कुल भी वादो कौन निभायो, जितने मारे साहब वादा करया आज तक कौन निभाया, 10 लाख रुपये में वादो करियो बे कौन दिया मैंने ठीक है। मैं आज आड़ा 60 दिन बैठे हमारी कोई आज तक एक मांग पूरी कौन करी तो आगे विधायक जी थाने कोई संभालिया गए आलगड़ी का विधायक अभी अमित जी चाचाणी है तो के थाना आगे पूछो कोई बात? एक बार भी कोनी आया बे कह भी माने तो वोटें जरूरत कोनी थे बीजेपी अड्डर आप ही गेरी होगा आ बांगे मनसा है बांगे दिमाग तो मारी है भाई आ बात है कि बे सिर्फ भाई जगह मुस्लिम लोग है बन के वोट बैंक की तरह देखने लग रही है कि भाई कह बीजेपी बीजेपी के डर हूं कांग्रेस नापी वोट गिर देगा बिल्कुल कह बीजेपी जीतो डरावेगी ए भी तो ही कांग्रेस ने वोट गिरा ए हिसाब हमारा कोई काम कौन करियो अरे माने 60 दिन हो गया बैठे हमारा बुढ़िया ने माने अंकल जी के बताओगा भाई गहलोत जी तो कहने लग रही है कि 1 रुपया में 500 रुपया में पट्टो ले जाओ थारो बनू आगे और ए इन्हें थाने पट्टो कौन देने लाग रहा के कोगा ए बाता जके के थे तो एक प्योर कांग्रेसी आदमी राज्य सरकार का भी आदेश है कि 501 रुपया पट्टा दिया जाए हाँ। और जो अगर 1970 का अगर 65 का अगर 55 का अगर के कहीं सबूत है अगर हाँ। वो डॉक्यूमेंट है तो सरकार का ये भी नियम है 1 रुपया बांग पट्टो दिया जाए ठीक है और राज्य सरकार का 501 रुपया पट्टा देने के बावजूद भी अभी थे हमारे समाज को या हमारा कोई गरीब तक पाओ भी 12 वार्ड का अंदर जी 37 नंबर वार्ड है 36 है 32 है हमारा अभी तो एक ही पट्टो कौन लोगों ने पट्टा कौन मिला अपना जगह निजी स्वार्थ का लोग है जो एकदम निजी है ठीक है बांगा 501 रुपया पट्टा दिया गया है ठीक है हालांकि मजिस्ट्रेट का दे दिया लेकिन हमारा कौन दिया अभी थी हमारा धार्मिक स्थल है हमारो मदरसा है मस्जिद है हमारा बांगा भी पट्टा कौन दिया ये आगे की थारा विचार रहेगा सारों पहला बात है कि 25 अगस्त से हमारा ये धरना चल रहा है जिसमें हमारी 27 सूत्री मांगे थी। मुख्य मांग ये थी कि हमारे मंदिरों और मस्जिद जितने भी धार्मिक स्थल है उनके पट्टे मिले उसके बाद के अंदर जैसे धक्का बस्ती वार्ड नंबर 32 और 37 की जो बीच की जो सड़क है मुख्य सड़क जो 22 या 25 फुट के करीब है उसे 60 फुट बिना वजह थोपी गई है जो कहीं भी लिंक नहीं होती एक मोहल्ले की सड़क 60 फुट कहीं नहीं पूरे नोर शहर में ये सिर्फ मुस्लिम आबादी के लोगों को परेशान करने के लिए ये संघी सोच का बैठा हुआ एक एमएलए और उसका बाप ये चाहता है कि यहाँ के मुसलमानों को परेशान करें दबाया जाए। हम ये कहना चाहते हैं आने वाली 25 तारीख को इस विधायक और इस विधायक के बाप की कब्जी तोड़ेंगे लोकतांत्रिक तरीके से। इसके खिलाफ हम लोगों पिछले 60 दिनों से हम यहाँ बैठे हैं, हमारा यही मकसद रहा है कि हमारे मुख्य मांग मान ली जाए क्योंकि अब आचार संहिता लग चुकी है ये मांग मानने वाले नहीं है, हमारा संघर्ष लगातार जारी रहेगा उनके विधायक और विधायक के बाप के खिलाफ पूरे तहसील के अंदर गांव गांव डाणी डाणी हर गली में जाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे लोगों को बताएंगे ये मुस्लिम विरोधी है, ये सिर्फ गंदी मानसिकता की वजह से हमारा शोषण कर रहा है। हमारे वार्ड नंबर 37 के अंदर एक मुस्लिम गरीब तबके सबसे गरीब तबका यानी गरीबों से नीचे की जो रेखा वाले लोग हैं वहाँ के नायक समाज गरीब समाज है और ऐसी समाज के और भी लोग रहते हैं वहाँ समाज पूरे शहर का कचरा वहाँ डाल रहे हैं। क्यों कचरा डालने आबादी भूमि के कम से कम 2 या 3 किलोमीटर दूर होना चाहिए, आबादी भूमि के चिपते ही वो कचरा डाल रहे हैं। इनकी मानसिकता से ये दर्शाता है ये संघी सोच का है। हाँ आप ये कह रहे थे कि कुछ लोग मुस्लिम समाज के लोग
जो आज कांग्रेस के उसके विधायक का समर्थन कर रहे हैं वो चमचे लोग होते हैं, चमचे लोग किसी के नहीं होते, वो हर समाज में हर वर्ग में हर गली में मिल जाएंगे आपको। और चमचों से समाज नहीं बनता, समाज बनता है लोगों से, इन बुजुर्गों से, इन युवाओं से। और यहाँ के युवाओं ने यह तय कर लिया है इस बार कांग्रेस का जनाजा, जो मुसलमान यहाँ का 70 सालों से अपने कंधे पे लेके बैठा था, उस कांग्रेस के जनाजे को आप दफनाने का काम करेंगे, यहाँ नई सोच के लोगों के साथ खड़े होंगे। हाँ भाई जी, थे कवा के अलग सोच को बंदो हो है, जो को एक युवा सोच रखे, सारा की बात सुने, तो कौन है आदमी थारी नजर में? कोई है मारी नजर के अंदर है के जब तक अभी तक 29 तारीख को ले गए, 6 तारीख तक पर्चा भरे जाएगा, रहेंगे अंदर बहुत सा चेहरा भी आवागा, उसके धरनाओं में भी चेहरा उठ जाए, उसके मंगेश गसा के भी बग जाए, उसके कोई अन्य भी चेहरा आ जाए, तो ये अभी समय पड़ा है, समय आने पे बता दिया जाएगा। हमारे बुजुर्ग, हमारे परिवार के लोग, हमारे समाज के आदमी देखो बिल्कुल योग्य देखेंगे, जो हमारी मांग मानेंगे, जो हमारे साथ हर दर्द के अंदर जो हमारे साथ खड़े रहेंगे, हम उसको चुनेंगे अपना साथी। और मैं तो कम्युनिस्ट पार्टी विलोम करूं, लगभग मैं तो कम्युनिस्ट सागरा, हमेशा मंगेश चौधरी सागर, मंगेश चौधरी वोट गिराऊंगा जीता उसके। अच्छा। मंगेश चौधरी सागरांगा, और मंगेश चौधरी 5 साल तक सड़कों पर लड़े, अब आ थारू छानी को नहीं, मारू छानी के लोगों के लिए आग की लड़ाई लड़ी है, किसानों की लड़ी है, हमेशा मंगेश जी चौधरी अठे आगे थारे धरना पर थारी बात को हाल चाल पूछो, थाने बिल्कुल पूछो, बिल्कुल पूछो, और हमेशा पूछते रहे 5 साल, और मारी हर एक बात ने लेकर सड़क में लड़ता है। और मैं खुद सागर है, मांगा शहर के अंदर, मैं इरफान रावण है, मैं हूँ 5-4 कार्यकर्ता में हूँ, जो मैं काम करना रहे शहर के अंदर और गांव के अंदर, और अलग अलग कार्यकर्ता है। नौर विधानसभा गए और बियाणी चौक पर खड़ा राम राम भाई साहब। राम राम जी। नाम भाई साहब? राकेश भारती नाम है। राकेश जी, के माहौल हो रही है, चुनाव एकदम सिर पर आ गया है, क्या लगे थाने? पहले तो आप पत्रकार साथी हमारे नौर में है, इसलिए हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। नौर में यह लग रहा है साहब कि पिछले 5 वर्षों में जिस प्रकार राजस्थान के सरकार के द्वारा राजस्थान में अराजकता का माहौल पैदा किया गया, यहाँ का एक एक MLA जिस प्रकार खुद को मिनी मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहा था, तो राजस्थान का हर एक विधानसभा जहाँ से इनके MLA जीते या इनके सहयोगी दल से, चाहे वो CPM हो या कोई भी इनका क्षेत्रीय संगठन इनके साथ में रहा हो, प्रत्येक नागरिक इनके कार्यशैली से परेशान थे। राजस्थान में पिछले 5 वर्षों में आज महिलाओं को जिस प्रकार बलात्कार किया गया, युवाओं के साथ जिस प्रकार कहा गया कि आपको हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, आपके रोजगार देंगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं की, रीट का पेपर लीक हुआ, उसके बाद में महिलाओं को भट्टियों में मतलब जलाने का मारने का काम किया गया इनके कुशासन के द्वारा। लेकिन आज राजस्थान के अंदर भाजपा जनता पार्टी का बड़ा शानदार माहौल है। और नौर की विधानसभा की हम बात करते हैं तो यहाँ पे नौर के केंद्रीय, हमारे भारत सरकार के केंद्रीय नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व अमित शाह जी के द्वारा हमारे पूर्व विधायक श्री अभिषेक मटौरिया पे विश्वास जताया कि दोबारा यहाँ से फिर भारी बहुमत से अभिषेक जी मटौरिया यहाँ से जीत के जाएंगे और हमारा कमल खिलाने का यहाँ से काम करेंगे। हाँ जी, खान साहब के नाम बताओ? मेरा शौकीन पार्षद वार्ड नंबर 37 से। ठीक है पार्षद जी, थे बताओ 5 साल की जकी नगर पालिका व्यवस्था है, बा के प्रकार हूँ लोगों के काम आई है, के व्यवस्था रही है? जो अशोक गहलोत ने घोषणा की थी 501 रुपए में पट्टा दिया जाए, अभी तक 501 रुपए में 4 लोगों को, आपके लोगों को पट्टा दिया गया है 501 रुपए में, और जनता को, आम जनता को गुमराह बनाने की कोशिश की थी, इन लोगों ने कोई पट्टा नहीं दिया, और हमारे समाज के 95% इस राजेंद्र चचान, अमित चचान को वोट दिए थे, और हमारे समाज के लोगों को ये बोला था, और मदरसे का पट्टा और 10 लाख रुपए की अमित चचान घोषणा करके गया था, अभी तक वो 10 लाख रुपए नहीं पहुंचे, और अभिषेक मटौरिया द्वारा और 10 लाख रुपए 2 बार दे के बगे, और MP साहब जी राहुल कुशवाहा भी, और काम किया जो 5 सालों में जो ये खारा पानी पिया है, गंदा पानी पिया है, इस इतनी कोई हो ही नहीं सकती। का मुस्लिम समुदाय का लोग है नगर पालिका का आगे धरनों दे रखे हो, तो आए बहुत ही आक्रोशित होने वाली बात है कि जगह कांग्रेस ने सारू ज्यादा वोट देवे, बे लोग ही बीच चीज के खिलाफ हो जाए तो इन पर केक होगा थे। मैं गुमराह करने की बात करी, कोई मारी सरता मंजूर कौन करी, जिको वादा पर खरी कौन उतरी सरकार, नकम्मी सरकार, इन्हें उखाड़ फेंकने को काम करा। आप जी थे बताओ भाई, जब वोट देने लग रहा है, ठीक है नगर पालिका है, पट्टा कौन देने लग रही या फिर भ्रष्टाचार जिया भी करने लग रही है, के होगा? भ्रष्टाचार की अगर हम बात करें नौर नगर पालिका की, तो नगर पालिका कोई एक ऐसा दिन नहीं गया हो जहां पे नगर पालिका के ठेकेदार आपस में लड़े ना हो। अच्छा। इनका वीडियो सोशल मीडिया पे जारी है, कारण लड़या यही कमीशन खोरी के चक्कर में इनका वीडियो भी जारी हो रखा है, और एक बार तो मेरे को वीडियो देखने को मिले था, इनका बिल भी जारी हुआ था कमीशन खोर के, जो कि एक ऑडियो लगा हुआ था चेयरमैन के खिलाफ, चेयरमैन पति के खिलाफ, कि भाई LED ली गई है रिश्वत के रूप में, LED ली गई है, उसका ऑडियो और बिल सोशल मीडिया पे भी जारी हुआ था, और भाई भ्रष्टाचार
शहर के गंदे पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर मामूली सी बरसात हो जाए इन शहर के अंदर तो पुरानी गिनानी और अपने बाजार का एरिया है, बाणिया समाज, दुकानदार समाज इतना परेशान होता है गंदे पानी की निकासी के कारण। पीने की पानी की समस्या की बात आई तो आज आप अभी जाके तुरंत दे सकते हैं, जो जलदाय विभाग की डिग्गी हैं वो काई जमी हुई है, स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा शहरवासियों को। गर्मियों के समय में लोगों को बाइक पर ले जाके बाईपास पे हेडपंप से पानी लाने पड़ता है। ठीक है जी भाई साहब, कितने ही राजी है नोर की जनता, अमित जी चाचाण गए काम हूँ और एक के बिन कंपेयर करोगा अमित जगह अभिषेक जी मटोरिया का जगह 10 साल जगह चुनावी रहा जीतगा बाहू थे के कंपेरिजन मानूंगा के फिर बदल रहेगी जनता भैया तंग है एकदम अठनोर की विधानसभा की जनता के कारण चचान सिर्फ लड़ाने को झगड़ा कराने को ही काम करियो है और विकास वो एक ही काम कौन करियो, विकास का काम है 36 कौम ने सागे लेके अभिषेक मटोरिये करिया। और मेरे मैं ग्राम पंचायत बिरकालियों आऊँ जो कि नोर विधानसभा में पड़े है, मेरे गाँव में नोर पल्लू सड़क अभिषेक जी मटोरिया के टाइम में हिड़ी है, मेरे गांव के अंदर GSS 33 के भी को अभिषेक जी मटोरिया के टाइम में हिड़ो है, पंचायत में गौरव पथ है और सारा काम अभिषेक जी मटोरिया टाइम में। अम्मी चचान एक सरकारी स्कूल में एक सेड दी है 5 साल का माँ हर बैंक बदले 6-7 बीघा जमीन और ले गयो बाहर कॉलेज का माँ बिरकाली पंचायत की गोचर करा गए हटे कॉलेज में मंजूर कर ली, आरजी राज राजो राज बिरकाली ग्राम पंचायत की जमीन बात गोचर करा दी हटे आ करा ली ओ काम करिए पंचायत में 7 बीघा जमीन और ले गए अमित चचान बिरकाली की। पट्टा की बात है कि मुख्यमंत्री ने सब रिपोर्ट है कि भी तेरा विधायक एक प्रकार की कार्यशैली क्या काम करने ला रहे आ लोगन चश्मा चढ़ाने की बात है, अभी मैं अगले आवे भी तो क्या कह दिया कि मैंने ये योजना निकाल रखी है, जगह जगह पोस्टर लगा दिया, पूरा राजस्थान ने गुलाबी कर दियो, सिर्फ कोरी झूठ की बात करी। राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री अगर विकास करावार नहीं तो अंग MLA 500-500 पट्टा 25-25 हज़ार में कौन बेचार बात यह नौर नगर पालिका में भारी भ्रष्टाचार है। ठीक है 60 ठेकेदार है या निर्माण के, उसमें एक आदमी का काम चलता है जिसमें राजेंद्र चौहान का हिस्सा है, दयाराम सिल्लू, और किसी ठेकेदार को काम नहीं करने देता है। रही बात पट्टों की, पूरा जोगियासन पट्टों वगैरह वंचित है उन लोगों के बना दिए जिन्होंने इनको पैसे दिए। अच्छा। एक बाबू ऐसा है इसका भूमि शाखा का, वो इसके घर जाता है फाइल लेके, वहाँ से यस होता है कि पैसे आ गए कहा गए कि तो इसका बना दो। सबसे भ्रष्ट 192 नगर पालिका राजस्थान में, अगर सबसे भ्रष्ट में नंबर आओ तो पहले नौ नगर पालिका का होगा। बात रखी का भाई पट्टा है बे मारू पीसा लेके बनावे तो देवीलाल जी मटोरिया जगह कांग्रेस को पक्ष रखियो, बे कहते माने सबूत दे, अगर पट्टा में पीसा लिया है तो थे माने सबूत दे, मैं कार्रवाई करवाऊंगा थारा सागर है तो केक होगा अभी। सबूत ने के दी है LCD ली भी बिल दे दियो अगले ऑडियो वायरल दे दियो और कोई आता है कौन के जमा मंदी के इंतकाल दर्ज करने के नाम है, दो ही चीज है वीडियो सबूत और क्या होता है, बिल दे दिया जिस आदमी ने दिया उसका बिल दे दिया उसने, उसका ऑडियो आ गया और कोई जमीन तो है नहीं का इंतकाल दर्ज होगा। अभिषेक जी मटोरिया को कार्यकाल किशोक रे है के अभिषेक जी मटोरिया बहुत बढ़िया कार्यकाल रहा है, किसी आदमी से दुश्मनी नहीं की, सारी जातिवाद ये बुलाते हैं अभिषेक जी मटोरिया बहुत सही आदमी है, सीधे साधे है ना किसी रखते है, और इन्होंने 700 करोड़ का काम कराया है। और अभिषेक इसका अमित चाण का तो ये है कहीं जाके अगर पेशाब भी कर दिया ना नाली पे बोलो पत्थर लगा दो, अमित चाण के लाखों पत्थर लग रहे हैं इस तहसील में, लगा दो पेशाब को। हाँ मैं दिखाऊं चलो थाने 20 फुट की सड़क है और 8 फुट को पत्थर है भी पर डोर के अंदर थोड़ी स्कूल का अगले पास देख लियो जाके थे वहाँ ओनली 20 फुट को चौक है 8 फुट को पत्थर लगाया। अभिषेक मटोरिया के साहब सारों बड़ी उपलब्धिता है कि नोर के अंदर चिट्टा का जी का कारोबार होने लग रहे आज, मतलब स्थिति है अंग कोई कार्यकर्ता अगर सामू जा चिट्टे की गाड़ी भर के लेके आने लग रही है नहीं तो बेरो पड़ जाएगा MLA को आदमी, तो प्रशासन भी रोकने को प्रयास कौन करे, आप प्रशासन की हिम्मत को नहीं, चिट्टा में नोर एक नंबर हो रही है, ठगी में नोर एक नंबर हो रही है। आज की हालात है कि बैंक में कोई पैसा निकाल के लेके जाए तो सोचा होगा बाहर जानते यहाँ पर लेके घर तक जावा कौन जावा, लगातार चोरियां बढ़ी है। भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और 500 सीटों पर भाजपा क्लीन स्वीप करेगी, यहाँ से भादरा से संजीव बेन वाला MLA बनेगा, नोर से अभिषेक मटोरिया MLA बनेगा। हाँ ठीक है केका भाई साहब। भाई साहब पिछले बारी 14-12 ने गाँव ने जाके झूठो जांचो दियो कह भी मैं नहर ले दूंगा, पानी की जगह बात कही भी मैंने वोट देवो वहाँ लोग वोट दिया वहाँ गाँव में गया और अब बड़े जाके चांदी का मुकुट पैर गया अब वहाँ लोग हिम्मत को नहीं वहाँ गाँव में जानेगी, बड़े जगह आम किसान इतना विरोधी है इतना दुखी हो रहा है कभी झूठ बोल के मरगनिया वोट ले गया और पानी देने को नाम कौन लियो और एक झूठो पत्थर लगा दियो कभी मैं शिलान्यास कर दियो के चीज़ को शिलान्यास कर दियो
आ कोई गारंटी लिया भी मैं तेरे नाम कोई नहर लिया देंगा पानी लिया देंगा, लेकिन झूठ बोल के लोग आंकनिया वोट लिया जाके बांकनिया पैर पैर के मुकुट आगे घरे बैठ गया। एक बार बांग अब जावेगा तो लोग तैयार खड़े आने डिगन लाग रहे कभी कद आवे वोट मांगने कद मांगो, यानी मैं इलाज करा गाँव में आई डांगो। पूरे राजस्थान के अंदर 25 जिले बन रहे हैं, बना दिया छोटा गाँव था जिला बन गया, किसी ने मांग करी तो बन गया, किसी ने नहीं करी मांग तो बन गया। नोर बाजरा में मुख्यमंत्री आते हैं और मुख्यमंत्री जी खुद कहते हैं भी हमसे तो कोई मांग लेता तो मैं तो जिला भी देते, लेकिन ये नोर का दुर्भाग्य है मांग उठाई नहीं, जनता को पब्लिक को लोगों को कहा जिला बड़ा प्रॉपर्टी के रेट बढ़ा लिए, अपने लोगों को सेट करवा दिए, महंगे प्रॉपर्टी बिक गई, अब वो वापिस इसने महंगे में जिले के चक्कर में प्रॉपर्टी खरीद ली, उन लोगों के नुकसान हुआ। ये चीज बड़ा एक बहुत बड़ा फेलियर है। लास्ट बाढ़ समंद हिसार जिले का बाढ़ समंद गांव टच करता है भादरा तहसील में, 190 किलोमीटर हनुमानगढ़ पड़ता है वहां से, सही है। लास्ट सिरसा के बॉर्डर टच करती है, लास्ट सिद्धमुख के बॉर्डर टच करता है। अब सिद्धमुख से के पास से चल के आदमी हनुमानगढ़ जाता है, कहीं 190 185 180 किलोमीटर की दूरी है, वहां पर ये बात नहीं उठाना बात नहीं करना। बाकी जिला बनता जिला न्यायाधीश बैठता दूरी कम होती, जिला न्यायाधीश बैठता एसपी बैठता एडिशनल एसपी बैठता, 1000 इस तरह के ऑफिस आते यहाँ पे डेवलप होता, लोगों को रोजगार मिलता। एक जिला हेडक्वार्टर नोर का मरने का मतलब ये हो गया कि 1,00,000 लोगों को डायरेक्ट रोजगार मिलता, ये सबसे बड़ा फेलियर है। यदि नोर को जिला बनता तो कुछ मांगने की जरूरत नहीं थी, एक चीज मांगनी थी वो बना नहीं, इस चीज की लोगों में बड़ा आक्रोश है। अभी पेयजल की थी बुरी हालात थी, वो काई जमी हुई है पानी में, पीने का पानी अच्छा है नहीं यहाँ पे, ये सिस्टम का फेलियर है। क्या बात बतानी चाहते? मैं आप कांग्रेस का पार्षद ठीक है मौका का बोल्ड के अंदर होते बोल्ड के अंदर नगर पालिका महीने हाँ। लेकिन मैं 4 साल का महीने एम मतलब विधायक ने पहली बात तो मारो फोन ही कौन चक ठीक है ना राजू तान चक है ना अमित चक है क्यों कौन चक है कौन चक है अगला ही मर्जी है ठीक है नगर पालिका ही इसी हालत बना के छोड़ दी क्या सारा पार्षद जी का पक्ष और विपक्ष सारा पार्षद रोता फिर गलिया में शहर की सफाई के मामले का महीने आज तक नोर का महीने इस मामलों में कदी कौन देखियो चौथी बार पार्षद बने हूं मैं एक ही बार का महीने चौथी बार ठीक है नगर पालिका में कोई ईओ साहब को नहीं कोई जयन को नहीं आपकी पट्टा ही फाइल है आपने चाहे था लोगों ने सिर्फ 501 रुपया पट्टा दिया राजू चतान और बड़ू फाइल लेके सारी हटा जाए लोगों ने कहा मोनिका के खिलाफ नारा लगा दिया मुर्दाबाद का मोनिका ने कोई दोष को नहीं क्योंकि मोनिका चले भी को नहीं ठीक है तो मैं दुआई चाहवा कभी सारा जितने भी मतलब मेरा साथी है मेरा पार्षदगण है मटोरिया के सागा लागो बीजेपी के सागा लागो कांग्रेस ने पिछाड़ मारो लोग है जका नोर गए एकदम बीचो बीच के अंदर अमित जी चाचा के स्वागत के अंदर इंतजार करने लग रहे हैं तो कई बात होगी टिकट मिल चुकी है अमित जी चाचा ने शेख जी मटोरिया ने तो कई हिसाब की बातें होगी लोगों को जाना राम राम दादा अमित जी चुनाव टिकट मिल गई कांग्रेस की ठीक है और कांग्रेस सरकार आवेगी पूर्व मोहम्मद सिंह और ये शिक्षा मंत्री बनेगा कौन है अमित जी चाचान अच्छा ठीक है हाँ थे क्या काम आए थे बोलो भाई साहब बहुत काम कराए हैं ठीक है ग्रामीण में वो कराए हैं काम पानी का और नहर मारी लाड़ रहे किन कांग्रेस की सपोर्ट में होते कांग्रेस की सपोर्ट में काम आए थे क्या थे क्या बोलो अपन वोट पक्का है पक्का है हाँ मैंने पता है बिड़िया दो मैं मरूं दो और विधानसभा क्षेत्र में टिकट मिल चुकी है अमित जी चाचा ने इन्हें अभिषेक जी मटोरिया ने के मानो अभिषेक जी मटोरिया में तो कभी मानियो को नहीं रब मानना को नहीं ठीक है और मार तो विधायक आई है अमित जी के अमित जी 5 साल के अंदर किशोक आपको काम करियो के बताएं बहुत बढ़िया काम करियो कभी उम्र में होयो कौन 70 साल उम्र में ही को नहीं होयो हां के काम कर दिया था किसे काम थारो जबरा सर जबरा सर मैं होते के विकास का काम है जकान थे खुश हो देख मैं खुश हो रहा का माने खेत दाल डंडी को नहीं होती रोड बना दी तो गांव में तो जाई जी क्यों ठीक है तो घर घर में रोड बना दी ठीक है और पानी की सुविधा बना दी ठीक है के को अंकल जी अब कड़े 5 साल है जगह किया टपया 5 साल अच्छा टपया है बढ़िया जोरदार के जोरदार तो अब के मान लो 2 टिकट तो आ गई 2 उम्मीदवार हो गया तीसरो कौन होवेगो आरएलपी आम आदमी कोई पार्टी जेजेपी कोई नाम आएगे तीसरो मार पाऊ कोई होवे नहीं मैं तो वोट दे वो सब वही है ये आंकड़ो मानो भाई जी भाई लीड कौन करसी लीड अमित चाचा ने
कम से कम 40,000 वोटों से लीड करेगा नोर नोर 40,000 वोटों 40,000 वोट जनता बेली हो रही है अमित जी के स्वागत में के मोल मानो अब गिड़े बहुत बढ़िया है भाई बहुत बढ़िया है बहुत जीत होगी बहुत तकड़ी जीत होगी। अच्छा के विकास का काम करे थे राजी होगी बहुत काम अच्छा करे है बहुत काम करे राजी होया हो हाँ बहुत राजी मारे लड़कियां ग्राउंड ग्राउंड स्कूल बहुत काम करे है भाई हमारे ग्राउंड गांव में दिए हमारे गांव में बहुत सामान दिए है के मोल मानो अम्मी जी चाचा ने टिकट बहुत जोर से माने बहुत जोर से अच्छा हाँ। इतने वोटा से कोई कमी नहीं रहेगी हाँ और बहुत अच्छा काम करा है हमारा बड़ा बेहतर टक्कर है या कोई टक्कर नहीं है अरे किसी टक्कर तो पीछे रह जाएगा मोटोरिया कहाँ पर ही और बीच आप ये जाएगा कितने वोटा से आ गए पांच साल किया टपाया बढ़िया रद्दी काम करे नाचे टपाया हर बड़े काम से कया फूल काम करे जनता ने बड़ी टिकाई है काम करे तो जनता उत्साह नहीं तो उत्साह घटो मैंने अब तो युवा पीढ़ी है जनता रही है चौकड़ी पहले के तो कुछ नहीं है और तू भी जीत गया अरे अब तो क्या बात है नहीं लार ली गेड़े 13,000 वोट जीतिया अब गेड़े के आंकड़ो अब का 60,000 वोट हाँ तो मैं तो कहने लग रहा कहा कि अधिक कौन के धाने बादरा वोट लेके नोर भरी पड़ी है मानस वोट देना है ये थोड़ी है बात है कि अब की बार 30,000 पार बिल्कुल 30,000 पार जो 40 सालों में काम नहीं हुए वो अब की बार 5 साल वोट दिल्ली मिलेगा तो निश्चित तौर पर क्या काम आए थे बोलो 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 हाँ सही है कितनी सालों को 70 सालों में कोई काम जो 5 साल में काम कीजिए हाँ मारो काम मुंशरी हाँ जी हाँ थे बताओ इसे काम ना तो कटे हो ना हो सेक्शन में थारी राय बिल्कुल लख्या जगह विधानसभा चुनाव होने लगे है हनुमानगढ़ जिले का अभी के अंदर थारी राय है बिल्कुल लख्या थारा पर्सन है वे मैं नेताओं भी पूछावांगा लोगों भी पूछांगा थारा कोई सवाल हुए बात हुए बिल्कुल लख्या कोई चुनावी यात्रा करनी हुए कोई मुद्दे की बात हुए उठानी हुए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर थे मारू संपर्क कर सको धन्यवाद जय राजस्थान जय राजस्थानी।